नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबर इस वक्त की शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। गौतम बुद्ध नगर से एक खबर सामने आई है, जहां प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट मामले ने फूल पकड़ लिया है। मुआवजे को लेकर किसानों की हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और किसानों की अर्जी पर अब हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि लैंड यूज चेंज होने के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी, जिस पर अब हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें, जवाब तलब किया गया है। अब यूपी सरकार की मुश्किलें यहां बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, लैंड यूज और चेंज होने के जो मामला है, उस पर नोटिफिकेशन हाईकोर्ट ने अब जारी कर दिया है। किसानों की तरफ से मुआवजे को लेकर एक बवाल गौतम बुद्ध नगर से सामने आया था। जेवर एयरपोर्ट को लेकर ये बवाल किसानों की तरफ से उठाया गया था, जिस पर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं लखीमपुर खीरी। आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर से जुड़ी एक खबर है, जहां किसानों की अर्जी पर हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि लैंड यूज चेंज होने के मामले पर यह नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी, जिस पर मुआवजे को लेकर यह बवाल गौतम बुद्ध नगर से सामने आया है। इस बड़ी खबर के बाद अब रुक करेंगे लखीमपुर की तरफ, जहां आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रहे विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दायर कर दिया है। इसके तहत अब 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोपों के अंतर्गत उनके अपराध को दंडनीय बनाने के लिए नई धाराओं को शामिल करने का अनुरोध किया गया। एसआईटी जांच अधिकारी विद्याराम दिवाकर ने पिछले हफ्ते ही सीजेएम की अदालत में आईपीसी की धारा 278 और 304A की जगह वारंट में नई धाराएं जोड़ने के लिए एक आवेदन दायर किया है। बता दें कि अपने आवेदन में जांच अधिकारी ने बताया कि घटना सुनियोजित और एक जानबूझकर किया गया कार्य था, ना कि लापरवाही थी। जांच अधिकारी ने धारा 279 को बदलने के बाद अब भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 326, 34 और 279, 338 और 304A को जोड़ने का अनुरोध किया है। 3 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को एक एसयूवी की चपेट में आने से 4 प्रदर्शनकारी किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी। अब बताते चलें कि एसआईटी ने अब तक आशीष मिश्रा, लवकुश, आशीष पांडे, शेखर भारती, अंकित दास, लतीफ शिशुपाल, नंदन सिंह, सत्यम त्रिपाठी, सुमित जायसवाल, धर्मेंद्र बंजारा, रिंकू राणा और उल्लास त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लिया है। वो लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंद है। और इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, लखनऊ उच्च बेंच ने राज्य सरकार को आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता विनोद शाही ने चल रही जांच से कोर्ट को अवगत कराया। साथ ही शाही ने कहा है कि अभी बड़ी संख्या में गवाहों के बयान दर्ज किए जाने हैं। वहीं भूमि अधिग्रहण के मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल किए गए सैकड़ों किसानों की याचिकाओं पर सुनवाई की गई, जहां कोर्ट ने सरकार से पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई के अवार्ड की घोषणा के बाद मुआवजे की राशि अधिकारी के यहां जमा करा दी गई, इसके बाद भी किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। दरअसल चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की पीठ ने यह आदेश पारित किया, जहां कोर्ट ने सरकार से इस बारे में सभी जिलों के अधिकारियों से जानकारी लेकर 17 दिसंबर को बताने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इससे पहले एनएचएआई के एक हलफनामा मांगा था कि वो बताएं कि भूमि अधिग्रहण कर लेने के बाद भी किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। इस पर एनएचएआई ने बताया था कि सभी मामलों में मुआवजा राशि सक्षम अधिकारी के यहां जमा कर दी गई है, जिसमें अवार्ड पारित है। पैसा जमा हो जाने के बाद मुआवजा राशि देने की जिम्मेदारी सरकार और उसके अधिकारियों की है। राज्य के अधिवक्ता रामानंद पांडे ने कोर्ट को बताया कि अभी किसानों को दिए गए मुआवजे की राशि की डिटेल नहीं आ पाई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि किन किन किसानों को राशि आवंटित की गई है, इसका विवरण पेश करने को कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट इस मामले में कई याचिका की जो याचिकाएं हैं उनके साथ सुनवाई कर रहा है।